दोस्तों ये मेरे को मिले हैं 11,000 जापान की करेंसी, क्या ध्यान रहा यार, जापान की करेंसी 11,000। हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आपका स्वागत है ब्लॉग में। यार आज मैं जा रहा था जापान, फ्रॉम हांगकांग टू जापान। और मेरे पीछे जस्ट अभी ये इमिग्रेशन क्लियर हुआ, ये इमिग्रेशन है यहाँ का, और इमिग्रेशन मेरा हो चुका है। ये मेरा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट। तो मैं चल रहा था हांगकांग टू जापान। तो मेरी आज की जो जर्नी होगी वो होगी जापान की। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बताने को मिलेगा। कुछ नहीं पूछा यहाँ पे, आपके पास अगर वीज़ा है जापान का तो कुछ नहीं पूछना आपसे, कोई चौप नहीं लगी है, कुछ नहीं लगा, बहुत ही इजी है गाइज। अब देखते हैं क्या होता है जापान जाके, जापान इमिग्रेशन पे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए हैं। तो फर्स्ट टाइम है जापान, जैसा कि आपने देखा मेरा वियतनाम, हांगकांग, मकाओ, अब उसी तरह से ये भी एक और कंट्री ऐड हो चुकी है जापान। तो मैं चल रहा हूँ जापान, और जापान का जो भी है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों सब कुछ हो चुका है, इमिग्रेशन, कस्टम चेकिंग, बोर्डिंग चेकिंग, पास, सब कुछ हो चुका है। अब हम चल रहे हैं फ्लाइट की तरफ। यहाँ से जाएंगे हांगकांग टू ओसाका, जापान का ही प्लेस, आप सबको पता है टोक्यो, उसके बाद टोक्यो जाएंगे। और हमारी एयरलाइन है हांगकांग एयरलाइन। तो चलते हैं, और ये एंट्रेंस। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होने जा रहा है हांगकांग एयरलाइन के साथ। और मैं बता दूं यार, ये एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा बना है यार, बहुत 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 अच्छा एयरपोर्ट बना है। अगर आप हांगकांग आते हैं तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छा बना है। सो गाइज फाइनली फ्लाइट में हूँ मैं, ये हांगकांग की फ़्लाइट है, और हांगकांग की फ़्लाइट में मैं आ चुका हूँ अंदर। सबसे पीछे 56 सीट नंबर थी, और मेरे फ्रंट पे ये सब लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत जल्दी टेक ऑफ होने वाली है फ़्लाइट। तो जैसा भी रहेगा आप सभी को एक्सपीरियंस मिलता रहेगा मेरी तरफ से। तो फर्स्ट टाइम है, देखते हैं, मैं जो भी मैसेज होगा मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। हाँ भाई,
गाइस फाइनली जापान आ चुके हैं हम, और मेरे पीछे जापान का एयरपोर्ट है, सब कुछ हो चुका है, कस्टम इमिग्रेशन एवरीथिंग नॉर्मली, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, ना ही कोई डॉक्यूमेंट चेक किए, सब हो चुका है। टाइम कम रह गया तो जाना पड़ेगा होटल, क्योंकि यहाँ पे MRT और बस बंद हो जाएगी। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना के आपको सबको बताऊंगा गाइस, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे।